हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का नाम है जो टेस्ट आपका बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल में टू टाइप से हम सैंपल लेते हैं, यानी होता है एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। आज हम बात करेंगे मॉर्निंग सैंपल की, कैसे लिया जाता है और कैसे इसकी रिपोर्ट कब आती है, क्या प्राइस है इसका और स्टेबिलिटी इसकी क्या है, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस इसमें होते हैं, वो उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। आज थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी चेंज है, पता नहीं क्या गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो वही जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका बात कर लेते हैं कॉर्टिसोल की। तो जो आपका कॉर्टिसोल है, तो आइए दिखाइए। जैसे आज का जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, कॉर्टिसोल मॉर्निंग। डॉक्टर लिख देते हैं ना कॉर्टिसोल टेस्ट आपका, लिख देते कभी 7 बजे से 10 बजे के बीच में, या लिख देते 8 AM या 9 AM ऐसा कुछ लिखते हैं। तो इसका जो आज का जो मैं आपको पूरा डिटेल इसमें आपको बताऊंगा कॉर्टिसोल मॉर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो कॉर्टिसोल टेस्ट है। कॉर्टिसोल टेस्ट जो आपका है डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स के लिए करते हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड होता है उसके लिए करते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन, क्या इसका स्पेसिमेन है, सैंपल इसका हम कैसे लेंगे, किसमें लेंगे और क्या स्पेसिमेन इसका होगा। तो आज हम बात करते हैं स्पेसिमेन की। स्पेसिमेन आपका इसमें क्या है ना, 2 ml और 1 ml सीरम SST है, ठीक है। और इसमें दिया होता है ड्यूरिनल वेरिएशन प्रेजेंट, है ना। तो तब इसका सैंपल लिया जाता है, जो सैंपल ब्लड सैंपल इसका हमें लेना है, ठीक है। 1-2 ml, ठीक है, या फिर 1 ml भी हो तो भी ठीक है, और 1 SST सीरम सेपरेट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद इसका हम मैन आपको बता देते हैं कि इसमें टाइमिंग होता है, क्या होता है टाइम, कि टाइम का क्या, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो आपका PTS था, PTS का जो टाइम था वो 8 से 10, तैसे इसमें भी टाइम है आपका। मॉर्निंग का टाइम जो आपका है वो है 7 से 11 AM, यानी मॉर्निंग 7 AM से 11 AM तक आप सैंपल इसको ले सकते हैं, 7 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में ले सकते हैं इसका सैंपल, ठीक है। और जब आप सैंपल लेंगे जो भी आपका होगा, तो उस पर टाइम कितने बजे आपने लिया है और डेट किस डेट को, ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है। ये जो स्टेस में है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको सर्कल बनाया है। टाइम आपका 7 AM से ले 7 AM, ठीक है, से लेके 11 AM टाइम और डेट डालनी है सैंपल जहाँ आप ले रहे हैं, और इसको सिर्फ रेफ्रिजरेटर और फ्रोजन में रखना है, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम स्टेबिलिटी, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी सबसे पहले आती है हमारा रूम, यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर आपका है 8 आवर्स, कितना है 8 आवर्स, यानी 8 घंटे। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख सकते हैं 48 आवर्स, कितना 48 आवर्स। अब आता है आपका फ्रोजन, फ्रोजन में भी आप इसको रख सकते हैं 2 वीक्स। जिस तरह से हमने आपको बताया, रूम टेम्परेचर में आप रखेंगे 8 घंटे, रेफ्रिजरेटर में 48 आवर्स यानी 48 घंटे, और फ्रोजन में 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद इसका जो मेथड होता है, आवाज़ में थोड़ा फ़र्क है आज थोड़ा सा, तो इसके लिए मेथड जो आपका होता है सीलिया, ठीक है, सीलिया मेथड से हम इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका इसमें प्राइस की अगर हम बात करें, तो प्राइस जो आपका है वो है इसमें 600 रुपये का है, 650 नहीं 600 का है, पहले 550 का था तो 50 रुपये इसमें बढ़ा दिए गए हैं, 600 रुपये कर दिया है। उसके बाद हम बात कर देते हैं इसकी रिपोर्ट, आपको ये रिपोर्ट कब मिलेगा। तो रिपोर्ट ये डेली वाइज होती है, डेली यानी रोज़ आती है,
अगर आप 12 नून 12 बजे से पहले मतलब 12 बजे का वो तो देना ही पड़ेगा, सुबह जब 7 से 11 के बीच में है तो सैंपल आप दे सकते हैं, 11 बजे से पहले सैंपल देते हैं 10 बजे से पहले तो आपकी रिपोर्ट डेली आ जाती है। उसके बाद हम आपको इसमें डॉक्टर बात करते हैं कि आपके डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्या हैं। डॉक्टर जो आपके होंगे, आपके इसमें डॉक्टर जो होगा इंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके डॉक्टर होंगे इसमें जो आपको इसमें देखेंगे, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट ठीक है, वो आपके ये डॉक्टर मिलेंगे। अच्छा, अब इस डिजीज का क्या मतलब किस बीमारी के लिए ये करते हैं, इसकी डिजीज क्या है, डिजीज आपका इसमें करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स के ये करते हैं, ये जो ग्लैंड आपके उसके लिए करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसमें होम कलेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है, होम कलेक्शन भी आप करा सकते हैं, उसका आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है, यानी होम फैसिलिटी भी आपकी 150 एक्स्ट्रा चार्ज इसका, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो हमने आपको बताया था कि ये वाला इम्पोर्टेंट टाइम आपका 7 AM से 11 AM, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये स्पेसिमेन इसका ये है, मतलब प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन मस्ट है ना, बोलते हैं ना सैंपल मस्ट बी ड्रॉ बिटवीन 7 AM टू 11 AM, मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपका कि यहाँ इस पर आपको सैंपल इसके बीच में लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी यही है, और डेट एंड टाइम उस पर डालना ही डालना है। अब हम आपको थोड़ा सा ना कुछ एक यूजर्स बता देते हैं, यूजर्स क्या है इसका, टोटल कॉर्टिसोल कंसंट्रेशन आर द डिस्क्रीज इन द एडिशन ऑफ डिजीज एंड इंक्रीज इन द कशिंग डिजीज एंड इन अदर कंडीशंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है कि डिस्क्रीज और इंक्रीज मतलब कम और ज्यादा, बढ़ना और घटना, बढ़ना और घटना होता है ये यूजेस जो आपके आते हैं इसमें, यूजेस आपके जो है ना, जैसे जिसमें मेरा डिस्क्रीज डिस्क्रीज और इंक्रीज इसका होता है कम और ज्यादा, मतलब जो आपके इंक्रीज होते हैं उसका होता है बढ़ना, डिस्क्रीज होता है कम, ठीक है। तो बस यही था और तो कुछ था नहीं इसके बारे में। अभी इसका एक सैंपल और होता है, वो होता है इवनिंग में सैंपल उसका लेते हैं, इवनिंग टाइम होता है, मतलब जैसे जिस तरह से हमने आपको बताया था कॉर्टिसोल मॉर्निंग और कॉर्टिसोल इवनिंग, तो कॉर्टिसोल मॉर्निंग का तो हमने आपको बता दिया है, और कॉर्टिसोल इवनिंग का भी टाइम होता है, वो टाइम मैं आपको कल बताऊंगा, डे आफ्टर मतलब टुमारो, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं किस तरह से क्या होता है, किस तरह से सैंपल लेते हैं, उसका क्या प्राइस है वो भी आपको बताएंगे। तो बस इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पे विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम।